बचपन से ये सुनते आए कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान देश का अन्नदाता, किसान परिवार में पैदा हुए और खेती से जुड़े रहे बचपन से, जो स्थिति थी आजादी के बाद और ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने से तक थी, उसके बाद लगातार किसान के हालात बिगड़े, किसान कर्जे में गया, उत्पादन बढ़ा देश का, उसमें कोई शक नहीं। वो दौर भी मैंने अपने बचपन में देखा जब बाहर से वीट जो था इंपोर्ट होता था, उत्पादन बढ़ा, आज हम सरप्लस में, लेकिन मैं गांव में ना बैंक था ना कर्ज था, 100 और 500 रुपए के बीच का लेन देन गांव में एक दूसरे से करते थे, फसल पे चुका देते थे, फसल पे नहीं होता था। आज इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट में कोई किसान ऐसा नहीं है जिसपे 2-4 लाख का कर्जा नहीं, सभी के बैंक अकाउंट है और सबके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं है, लोन चढ़ा हुआ। ये 70 साल का डेवलपमेंट है और ये 70 साल के बाद किसान की स्थिति है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी खामी रही, हमारी जो पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की, उसमें खामी रही है। उसके हजारों रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन मैं नहीं कहता उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कोई कमी रही जिसकी वजह से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी। उत्पादन बढ़ाया उसने तो निश्चित तौर पर उसकी स्थिति सुधरनी चाहिए थी। उत्पादन बढ़ाने के बाद स्थिति किसी कमजोर हुई हो वो किसान है देश, और इसमें बहुत कुछ होने की और करने की आवश्यकता, और वो होगा जब जब हम वास्तविकता को स्वीकारेंगे। जितनी भी मीटिंग होती है उसमें 2050 पे जाते हैं लोग, और 2050 से शुरू करते हैं कि देश की जनसंख्या डबल हो जाएगी, उत्पादन हमको डबल करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, हमको 2050 को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो भूख से मर रहा उसके बारे में क्या योजना बन रही है उस पर कोई बात नहीं होती है। मेजर जो फूड ग्रेन चावल, चीनी और गेहूं, तीनों सरप्लस, तीनों को रखने के लिए भारत सरकार के पास गोडाउन्स नहीं, तीनों पूरे साल भर खेतों में पड़े रहते हैं, प्रोक्योरमेंट के बाद भी संभाल नहीं पाते हैं, और उसके बाद देश में भूख का संबंध प्रोडक्शन से नहीं है, भूख का संबंध तो परचेजिंग पावर से। देश में सरप्लस भी है और देश में भूख भी है, इस पे कोई ध्यान नहीं होता। टोटल बात जब भी होती है, किसान की बात होती है, तो इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाओ अच्छी बात है, उत्पादन बढ़ाना से किसान की हालत सुधरने वाली नहीं। अगर हम किसान के वेलफेयर की बात करें तो उसकी बीमारी कहाँ है उस पर हम फोकस करें तब बात बनती है, उसके बिना बनती नहीं। उसको जब तक उसकी लागत लाभकारी बोल, उसको एक अच्छी मार्केट की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। हम बात करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं जितने भी पॉलिसी मेकर हैं वो डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन और यूके का मॉडल उठा लेते हैं और उस मॉडल को उठा के उसका किताबों में उसे लिखा जाता है, उसके सर्कुलर जारी होते रहते हैं। हिंदुस्तान का किसान है जिसके पास सरप्लस 2 टोकरे टमाटर है, वो 2 टोकरे टमाटर 20 किलो प्याज या 100 किलो घिया को लेके मार्केट नहीं जा सकता, कोई मिडिल मैन गांव में उसको अप्रोच करता, गवर्नमेंट उसको देखती नहीं, गवर्नमेंट का सिस्टम कोई है नहीं, मिडिल मैन उसका कलेक्शन करता, वो उसको वहीं एक्सप्लॉइट कर लेता और वो मार्केट में बेचता। ये सिस्टम जब तक कायम रहेगा तब तक किसान की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। मैं क्यूबा गया था, वहां पे एश्योर्ड है जिसने 1 किलो सब्जी पैदा की है उसको पता है कि इसका 100 रुपए मिलने वाला, कोऑपरेटिव में जाके देके 100 लेके आएगा, उसको 99 मिलेंगे नहीं। एश्योर्ड इनकम की जब तक बात नहीं होगी उसके प्रोडक्शन की, तब तक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। किस तरह आ जाएगी?
हमारे पास जो मेजर कमोडिटी है उसमें शॉर्टेज है तो पल्सेस में और ऑयल में। प्रधानमंत्री जी ने पल्सेस पे फोकस किया पिछली सरकार में, फोकस करने के बाद अच्छे रेट उसके फिक्स किए गए, 6925 रुपए का भाव तय किया गया मूंग की दाल का। प्रधानमंत्री हमारे साथ साथ मोजाम्बिक भी जाके कह गया है कि दालें पैदा करो, हम बीज भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे और खरीदेंगे भी। हमारे किसान ने देखा कि बहुत अच्छा भाव सरकार ने घोषित किया, हमारा किसान जुट गया, हमारा किसान सक्षम है। प्रधानमंत्री के कहने से और 8 महीने के अंतराल में इतना प्रोडक्शन हमारी मार्केट में था, 6925 रुपए की दाल 3400 रुपए में मार्केट में खरीदी गई। किस तरह की सस्टेनेबिलिटी की, किस तरह की डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, किस प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं। ऑयल का जो शॉर्टेज है मुझे पता है किस तरह से वो शॉर्टेज है, मैं ए से जेड तक की हिस्ट्री जानता हूं। पाम ऑयल को जब हमने शुरू किया इंपोर्ट करना, उस टाइम सरसों का भाव 2600 रुपए था और पाम ऑयल जब आना शुरू हुआ तो सरसों 800 रुपए पे आई थी। और चड्डा साहब अभी आप पाम ऑयल की मलेशिया की बात कर रहे थे, पाम ऑयल का नाम है, इस्तेमाल नहीं किया होगा घर में एक दिन भी, 4 घंटे के बाद वो बदबू आने लग जाती है उसमें जो चीज बनाई जाती है, वो खाने लायक प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन कंज्यूमर, हिंदुस्तान का कंज्यूमर है वो चीप प्रोडक्ट की तरफ जाता, मेजोरिटी उनकी है, वो गंद खिलाया गया उनको लाके, और जितना हमारा जो ऑयल सीड का किसान था उसको मारा गया लगातार हमारी इंपोर्ट पॉलिसी के जरिए से। दो कैटेगरी रखी गई, एक कैटेगरी पे ड्यूटी 20% थी और एक पे 50% थी। 20% ड्यूटी पे जो पाम ऑयल था वो साबुन के लिए आ रहा था और वो सारा मार्केट में तमाम होटलों पे जितना भी खाने का सामान है उस 20% ड्यूटी के पाम ऑयल से बना, गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं था उस पे। और वो एक दिन नहीं, वो 20 साल वो मार्केट में बिकता रहा। 20 साल के बाद गवर्नमेंट चेती और गवर्नमेंट ने दोनों को एट पार किया ड्यूटी को, गवर्नमेंट ने देखा कि 20 साल से ये गड़बड़ हो रही है। हमारे यहाँ तो क्या, हमारे तो 20-30 साल तो हम निकल जाते हैं, वो पाम ऑयल में इस तरह से निकले। हमारा किसान हर चीज के उत्पादन में सक्षम है आज के दिन, और इस देश के खाद्यान्न की पूर्ति आप गवर्नमेंट बोले तो सही ना, जवान से निकाले गवर्नमेंट। आप 2007-08 का आपको पता, जब 1600 रुपए में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया, हम प्रधानमंत्री जी से मिले कि आप हमको 1100 रुपए दे दो और आज तो दो, आज की डेट में ऑफ सीजन में हम आपको गेहूं दे देंगे। आप दो ना भाव, हमारा भाव 700 रुपए ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं आप 1600 रुपए। मनमोहन सिंह जी ने उसको नोटिस लिया, 700 का 1000 किया उनका एहसान माना हमने, और उस 1000 के बाद, ये बात है 13 अक्टूबर 2007 की, और अप्रैल 2008 में इतना गेहूं था कि सरकार मार्केट छोड़ के भाग गई थी। किसान तो इतना सक्षम है हिंदुस्तान का, लेकिन किसान को सुने ना कोई, उसको समझे, उसकी कीमतें दे कोई, उस पर तो काम हो ही नहीं रहा। अब बात कर रहे हैं डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की, बात बहुत अच्छी बात, कम से कम सोच तो रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बेस क्या, बेस इनकम क्या है, किसको डबल किया जाएगा, ये सरकार नहीं बता रही। डबलिंग ऑफ फार्मर की इनकम की बात हो रही है, कौन सी इनकम को डबल किया जाएगा 2022 में, वो किसान को नहीं बताया जा रहा। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि ग्रोथ जीडीपी में है, खेती का हिस्सा गिरा, तो 2016 से 19 आ गया, 3 साल चले गए, 3 साल में हम नीचे जा रहे हैं, तो 22 में क्या होने वाला। मतलब आप कहीं, आपको फेयर तो आना पड़ेगा ना। पेंशन की बात हुई है, बहुत अच्छी बात, कंसीडर किया, मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जो आज 18 साल का किसान है वो 60 साल का होगा तब उसको मिल जाएगी। यानी कि जो सरकार आज योजना लेके आई है,
आज जो 18 साल का किसान है वो प्रीमियम देना शुरू करेगा, वो 60 साल का होगा तब 40 साल के बाद हम उम्मीद करेंगे, हम तो निकल गए बीच में से। 40 साल का किसान और दो दो कैटेगरी उसमें बनी है, जो 40 साल से क्रॉस कर गया किसान और जो 60 से ऊपर गया हुआ उसके लिए उस पेंशन योजना में कुछ नहीं है। एक जुमला जुमले चलाते हैं यहाँ, एक जुमला चला दिया फार्मर पेंशन का, उसको प्रैक्टिकल में देखो ना कि किसको मिलेगी वो पेंशन, कैसे मिलेगी वो पेंशन। आज कह रहे हैं खाद पे कह दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर रहा कि कैश ट्रांसफर किया जाएगा सब्सिडी। हमने सरकार से कहा जो ऑर्गेनिक फार्मर है, आज दुनिया में अगर कहीं मार्केट बढ़ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तो वो ऑर्गेनिक फूड की बढ़ रही है। अगर आप कुछ बेच पाएंगे तो ऑर्गेनिक बेच पाएंगे, ये आपका केमिकल केमिकल जो प्रोडक्ट है ना, ये जो फूड ग्रेन है ये तो सरप्लस है उनके पास। यूरोप और अमेरिका में किसी फूड ग्रेन की आवश्यकता नहीं है, पॉपुलेशन और जो लैंड होल्डिंग है उसमें इतना अंतर है, हर चीज सरप्लस है उनके पास। वो जो मार्केट वहां खड़ी हो रही है नई मार्केट ऑर्गेनिक की खड़ी हो रही है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का 63% किसान रेंट फंड पर डिपेंड करता है, जो केमिकल फार्मिंग नहीं कर सकता, उसको उसको क्यों नहीं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाए, उसकी होल्डिंग के हिसाब से कैश सब्सिडी फर्टिलाइजर के लिए दी जाए, नहीं कर रहा। ये सब्सिडी तो उसको मिलेगी जिसकी घोषणा सरकार ने की है, जो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदता। पुश किया जा रहा है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर ही खरीदें तो सब्सिडी मिलेगी, अन्यथा कोई सब्सिडी है ही नहीं ऑर्गेनिक पे। तो हमको प्रैक्टिकल वो बनाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में हम किसान को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी वो हमारे साथ ही देगाय की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, सरकार ने नोटिस लिया। मैं भी ये मानता हूँ कि डेयरी फार्मिंग जो है वो, उसके लिए ना किसान को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता ना उसको कोई जगह एडिशनल जगह चाहिए, वो पशुपालन तो वो करता ही आया सदियों से करता है, खेती के साथ ही चलता है, वो उसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल एक बिजनेस हो सकता है अगर सरकार उसको फोकस करे। लेकिन या तो वो भी पॉलिटिकल एजेंडे में आ गया, जिस तरह का तमाशा गाय के साथ हो रहा, आज पूरे हरियाणा यूपी पंजाब उत्तर प्रदेश का किसान सारी रात लठ लेके खेत में घूमता है गाय से बचाओ करो किसी तरह से। अब वो साथी हमारे कह रहे थे दूध से तो हमारा गुजारा होता नहीं, गोमूत्र और गोबर से किसान अपना गुजारा कर लेगा, वो अल्टरनेट सुझा रहे। जो प्रोडक्ट है जो मिल्क जो दूध है जिसके लिए गाय जानी जाती है, वो कह रहे हमने सुझाव दे दिया, वो गोमूत्र और गोबर से काम चला लेगा, उसका गुजारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। प्रैक्टिकल में हमको आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमको पॉलिटिकल एजेंट जिन लोगों ने जो न्यूसेंस कर रखी है, जिनके घर में गाय पीढ़ियों सदियों से गाय जिनके घर में नहीं रही, वो गौ प्रेमी हो गए, प्रैक्टिकल है नहीं। वो जो यूरोप में 50 किलो की गाय है वो 3 या 4 सीजन दूध देती है, वो गाय नहीं है मशीन है। मैं वहां गया हूँ कई कंट्रीज में, मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा तुम तो इतने क्रेजी हो, तुमने तो मीट खिला दिया गाय को वहां यूके में, इतने मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूके में गाय को मीट खिला दिया उन्होंने, पागल होगी मैड का उनका केस है वो। उन क्रेजी लोगों के मॉडल को उनके प्रोडक्ट को लेकर पुश कर रहे हैं। अभी पिछली सरकार में 2 साल पहले वहां से गिर गाय का सीमेंट ब्राजील से ऑर्डर किया, अभी आपने मेंशन किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा है नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सही बात है कि तनख्वाह के अलावा कुछ रिसर्च के लिए फंड ही नहीं, हम टोटल डिपेंडेंट हैं। हमने हिस्सा बना लिया रिसर्च के लिए, मॉन्सेंटो आईसीआर का हिस्सा पार्टनर बन गया, उसकी रिसर्च पे इस देश का डेवलपमेंट करेंगे। आपने किया था काम, तब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, स्ट्रेट लाइन वेराइटी थी वो, हाइब्रिड नहीं थी। तो जब स्ट्रेट लाइन वैरायटी ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकती है और देश का पेट भर सकती है, वो हाइब्रिड जिसमें डोडा पानी लगता, वो हिंदुस्तान जिसमें पानी की कमी है और उसमें वो सजेस्ट फसल कर रहे हैं जिसमें डोडा पानी लगेगा, तो हम या तो मूर्ख हैं या इस देश के प्रति हमारा लगाव नहीं, या हम उन कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जिनकी दुकानदारी है उस बीज की।
किस किस आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसने बैंगन की शॉर्टेज देखी मार्केट में, किसको बैंगन नहीं मिला बताना? पूरे देश का कोई कंज्यूमर ये नहीं कह रहा कि बैंगन की शॉर्टेज है, लेकिन इस देश की एक इंडस्ट्री और इस देश की एक ब्यूरोक्रेसी और एक पॉलिटिकल सेक्टर जोर लगा रहा है कि बीटी ग्रीन जलाना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं, वही कंपनी जिसने बनाया वही कह रही है कि ये सेफ है, और हमने एक कमेटी बनाई है, हमारी रिसर्च नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की ये सेफ है, हमने सरकार ने एक कमेटी बनाई है, और कमेटियां कैसे बनती हैं, कैसे रिपोर्ट देती हैं सेफ्टी की और अनसेफ्टी की, वैसी एक रिपोर्ट आई है कि ये सेफ है। अरे आप अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट कराओ, उसका प्रॉपर टाइम लो, अगर हमारी यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहें ये सेफ है तो हमको उसका कल्टीवेशन में जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वही कंपनी कह रही है कि ये सेफ है, इसको परोस दो। बीटी कॉटन फेल हुआ, जिस बीटी कॉटन को लेके आए थे इलीगल आया, हमारी कोई रिसर्च नहीं थी, गुजरात में पुश हुआ, 3 दिन पहले आदेश हुए कि बीटी कॉटन को जलाया जाएगा, और 3 दिन बाद आदेश हुए कि बीटी कॉटन लीगलाइज कर दिया गया। बीटी कॉटन में क्लेम किया था कि इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा, आज 18 स्प्रे पेस्टिसाइड के बीटी कॉटन में हो रहे हैं उसी पे, अब वो कंपनी उसकी नेक्स्ट जनरेशन ला रही है, उसके बाद नेक्स्ट ला रही, मतलब तुले हुए हैं हम पे, हमको पुश क्यों कर रहे हैं आप अपनी रिसर्च पे क्यों नहीं रिलाई करते, आप अपनी यूनिवर्सिटीज जो एक ढांचा जिन्होंने साबित किया इस देश की भूख को मिटाया, जिनके जो जिनकी रिसर्च से जो बीज हमको मिले थे हमने उस उत्पादन करके दिया, उनको उन पे रिलाई करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे किसान की हालत सुधरेगी, ये जो एक्सपेंसिव होता जा रहा हमको इनपुट घटाने के लिए, अपना लोकल रिसर्च लोकल सीड और लोकल उस पे और मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो किसान की हालत जो है वो बातों से सुधरने वाली नहीं है। धन्यवाद।